Hey everyone, welcome back to my channel. Let's discuss about cleavage. Before starting cleavage, it is strictly speaking that जो embryonic development होती है ना वो ऐसा consider किया जाता है कि वो ना fertilization के time के दौरान ही start हो जाती है. ठीक है, अब ये जो fertilization product है that is zygote, it is formed by the fertilization. ठीक है, and it is a single cell. अब ये जायगोट को फुल फ्लेज और ऑफस्प्रिंग बनने के लिए अपने आप को डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, यही जायगोट का डिवीजन होना. ठीक है, इस डिवीजन की सीरीज को हम बोलेंगे क्लेवेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ डेफिनेशन ऑफ द क्लेवेज. द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव सब डिवीजन ऑफ जायगोट बाय माइटोसिस सेल डिविजन्स इंटू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द सेल्स ऑफ द प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग साइज. अब जायगोट का प्रोग्रेसिवली डिवीजन करना किस प्रोसेस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू इनटू द लार्ज नंबर ऑफ, एक्सपोज करो ये जायगोट है. ठीक है, ये जब बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्लीवेज. ठीक है, और ये जो सेल्स का साइज होता है ना ये जायगोट के साइज से थोड़ा सा कम होता है, डिक्रीजिंग साइज में ये सेल्स डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज. ठीक है, सबसे पहले आ जाती है मेरिडोनियल प्लेन. अब इसमें क्या होता है, व्हेन क्लीवेज फरो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द एनिमल एंड द वेजिटेबल एक्सिस एंड बाइसेक्स बोथ पोल्स ऑफ द एग्स, सच प्लेन ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड मेरिडोनियल क्लीवेज. अब ये देखो, सपोज दिस इज अ जायगोट. ठीक है, इसके दो पोल्स हैं, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल. ठीक है, एनिमल पोल वो वाला, मतलब वो वाली साइड पे होगा जहाँ पे साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा. ठीक है, प्रो न्यूक्लियस होगा और वहाँ पे पोलर बॉडीज प्रेजेंट होगी, मतलब पिगमेंटेड हेमिस्फेयर. और जो वेजिटल पोल है उस वाली साइड पे योक प्रेजेंट होगा और वो वाला जो मतलब साइड होगी वो अनपिगमेंटेड हेमिस्फेयर होगी. ठीक है, अब ये देखो, इस सेल पे जब अगर हम मेरिडोनियल क्लीवेज की बात करें तो वो जो है ना इसमें क्या होगा, जो क्लीवेज फरो होगी ना वो एनिमल पोल और वेजिटल पोल के सेंटर, बिल्कुल सेंटर में से पास करेंगी लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे पास करेगी और बाइसेक्ट करेगी एनिमल और वेजिटल पोल को. ठीक है, जब क्लीवेज फरो बिल्कुल सेंटर में से पास करेगी, दैट टाइप ऑफ क्लीवेज प्लेन इज नोन एज द मेरिडोनियल क्लेवेज. नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकल क्लेवेज. सो व्हाट इज वर्टिकल प्लेन क्लेवेज. इसमें क्या होता है, जो क्लेवेज फरो है ना इट पासिस इन अ डायरेक्शन फ्रॉम द एनिमल पोल टुवर्ड्स द वेजिटल पोल इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन. इसमें क्या होता है कि जो क्लेवेज फरो है ना वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जाती है, उसकी डायरेक्शन एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ जाती है. बट ये मेरिडोनियल प्लेन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसमें क्या होता है कि जैसे मेरिडोनियल प्लेन में जो क्लीवेज फरो थी वो बिल्कुल सेंटर में से जा रही थी, बट वर्टिकल प्लेन में क्या होता है कि ये जो होती है ना क्लीवेज फरो, इट डज नॉट पास थ्रू द मीडियन ऑफ द मीडियन एक्सिस ऑफ द एग बट पासिस टू द वन साइड ऑफ द एक्सिस. इसको हम ना डायग्राम के थ्रू देखते हैं. अब ये देखो, ये जायगोट है, ये एनिमल पोल है और दिस इज़ वेजिटल पोल. अब ये जो क्लीवेज फरो है वो बिल्कुल सेंटर में से पास नहीं करेगी जैसे कि वो मेरिडोनियल प्लेन ऑफ क्लीवेज की में पास कर रही थी. इसमें या तो वो लेफ्ट साइड पे करेगी या वो राइट साइड की तरफ डिवाइड करेगी जायगोट को. ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्लीवेज इज वर्टिकल क्लीवेज. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ द प्लेन ऑफ द क्लीवेज इज इक्विटोरियल प्लेन. अब इसमें क्या होता है कि द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज बाइसेक्ट्स द एग एट राइट एंगल टू द मीडियन एक्सिस एंड हाफ वे बिटवीन द एनिमल एंड द वेजिटल प्लेन अब पोल्स सॉरी अब इक्विटोरियल प्लेन में क्या होता है कि वो जो क्लीवेज फरो हुआ है वो एग को बाइसेक्ट करती है राइट एंगल से. कौन सा कहाँ पे वो राइट एंगल बनता है, टू द मीडियन एक्सिस एंड हाफ वे बिटवीन द एनिमल एंड द वेजिटल पोल. सो हेयर इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द इक्विटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज. अब इसमें जो होता है, जो क्लीवेज फरो है वो बाइसेक्ट करती है एग को. ठीक है, जब एट राइट एंगल टू द मीडियन एक्सिस के राइट एंगल से, और यू कैन से दैट हाफ वे बिटवीन द एनिमल और द वेजिटल पोल, उसके बीच में से क्लीवेज फरो जायगोट को डिवाइड करती है. ठीक है,
अब ये जो इक्विटोरियल प्लेन वाली क्लीवेज है ये हमें कहाँ पे मिलती है? ये जो क्लीवेज की जो स्टेजेस होती है, जैसे फ्रॉग के डेवलपमेंट, फ्रॉग के जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसमें जो थर्ड क्लीवेज होती है ना, वो जो थर्ड क्लीवेज में जो क्लीवेज की जो प्लेन है वो इक्विटोरियल प्लेन होता है, ठीक है। और हम इक्विटोरियल प्लेन को जैसे हायर एनिमल्स के एग्स में भी फर्स्ट क्लीवेज के दौरान हम इक्विटोरियल प्लेन को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द लास्ट प्लेन ऑफ द क्लीवेज, दैट इज द लेटिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो अब ये क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्लेन ऑफ क्लीवेज इज आइडेंटिकल टू द इक्विटोरियल प्लेन। ये सेम टू सेम इक्विटोरियल प्लेन की तरह ही होती है, बट इसमें थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है। दैट इज, अब ये जो हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स और लेटिट्यूडनल होती है ना, ये किसके थ्रू होती है? ये साइटोप्लाज्म के थ्रू होती है ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विटोरियल प्लेन। ये एक साइड पे होती है इक्विटोरियल प्लेन, जैसे सपोज करो ऐसे हो रहा है, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब ये देखो, जैसे ये है जायगोट है, दिस इज द एनिमल पोल एंड दिस इज अ वेजिटल पोल। अब यहाँ पे सपोज करो कि ये इक्विटोरियल प्लेन हो, यहाँ पे इक्विटोरियल प्लेन की क्लीवेज हुई है। अब ये आइडेंटिकल तो है इक्विटोरियल प्लेन से, बट इसमें डिफ्रेंसिएशन क्या होती है कि यहाँ पे ये इक्विटोरियल प्लेन की यहाँ तो लेफ्ट साइड पे होगी, यहाँ तो राइट साइड पे होगी, मतलब थोड़ी साइड पे होगी। जो ये जो लेटिट्यूडनल और ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल क्लीवेज है ना, ये इक्विटोरियल प्लेन के आइदर साइड पे होगी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लीवेज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।